हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बॉडी के बारे में जिसका नाम है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। एक्रेडिटेशन का मतलब एक तरीके की वैलिडिटी प्रदान करना होता है, यानी कि इवेल्युएशन करना किसी बॉडी का। सो इस बॉडी का काम है कि वेरियस सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन बॉडीज को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना। ये बॉडी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अटैच्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेशन संकल्प के बारे में। यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर पहले ही बहुत टेंशन्स पैदा हो गई थी और हाल ही में पर्शियन गल्फ में ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुआ है, जिससे कि ईरान और यूएस के बीच में तनातनी और बढ़ गई है। इसको देखते हुए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन संकल्प को स्टार्ट किया है जो कि पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान में स्टार्ट होगा, जिसमें इंडियन जो वेसल्स हैं उनको अश्योर किया जाएगा और उनकी सेफ ट्रांजिट इंश्योर की जाएगी, यानी कि इंडियन वेसल्स इंडियन शिप्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो आराम से वहां से निकलकर इंडिया तक आ सकें या फिर यहां से ट्रांजिट कर सकें, जिससे शिप्स का आना जाना सुरक्षित हो सके और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर ना हो।